हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसी जगह तक रीच किया एंड उसके बाद बाउंस बैक दिखाया है। फ्राइडे का क्लोजर भी ले लिया है और जो क्लोजर मिला है वो क्या कहता है, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स की, क्योंकि अब ऑल्ट कॉइन्स क्या वाकई कंफर्म कर चुका है या अभी भी कुछ बाकी है, और बाकी है तो क्या, और अगर कर चुका है तो किस में एंट्री प्लान करें, इन सब की बात करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक करो यार, इग्नोर करो या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है वो सब जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो, वीडियो के नीचे भी स्क्रॉल हो रहे होंगे, तो जरूर जो है ऑफिशियल जो लिंक है उन्हीं से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहां पे स्कैम्स की भंडार है और अपने आपको स्कैम से बचाना आपकी जिम्मेदारी है गाइस। एंड इसके अलावा याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेक श्योर करना कि आप या तो थोड़ा बहुत आपको रिस्क रिवार्ड समझ में आता है, या फिर एटलीस्ट जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर किया हुआ है वो आपको समझ में आता है, तो उसके बेसिस पे ही कॉल लेना, और नहीं समझ में आता तो मत लेना। सीखने पे पहले फोकस करो, उसके बाद ही करो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे, तो अपना रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन करना अपने इन्वेस्टमेंट और अपना जो भी आपका रिस्क है उस चीज को समझते हुए। तो गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो जरूर आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो, वहां पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट प्रोसेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है। रिकमेंडेड मेरी तरफ से जरूर होगा क्योंकि मेरा कोर्स है, लेकिन रिकमेंडेड आपके लिए ये है कि आप सीखो पहले, तब ट्रेडिंग में फुल ऑन करो, चाहे फ्यूचर हो चाहे ऑप्शंस हो, कुछ भी करना हो आपको तब फुल ऑन करना, जब सीख लो, जब कॉन्फिडेंस लेवल पता चल जाए, जब आपको अपना एक्यूरेसी लेवल पता चल जाए, और फिर उसके बाद छोटे से बजट को बड़ा बजट बना सकते हो। लेकिन सीखने पे फोकस करो, कहीं से भी सीखो लेकिन सीखो पहले, उसके बाद ट्रेडिंग करो। बाकी मेरे से सीखना चाहते हो जरूर, मैंने आपको लिंक बता दिया academy.cryptoinsiderta.com। तो बिना डिले किए आज का स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, एंड सबसे पहले बात करेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने कल के दिन क्लोजर क्या लिया यार, क्लोजर जो हमें देखने को मिला है $46,307। कल के दिन लोएस्ट जो रीच किया था $44,244। और कल सुबह टीए वीडियो में मैंने कहा था कि देखो यार, जिस हिसाब से जा रहे हैं हम, सेमी गैप फुलफिल करता हुआ दिख रहा है, एंड अगर ये फुलफिल होता है, डू रिमेंबर, आज अगर इवनिंग आवर्स से पहले हो जाता तो इवनिंग आवर्स फ्राइडे जो होता है जनरली ग्रीन कैंडल होता है, तो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि बाउंस करता हुआ दिखे, और वर्स्ट केस में भी बाउंस अगर करता है तो 45,500 के आसपास तो प्राइस जरूर जाता हुआ दिखेगा। बट हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा ये ऊपर गया, एंड डेफिनेटली जो है ऊपर गया, हाईएस्ट $46,739 फ्राइडे का क्लोजर मिल गया। सीएमई चार्ट पे सबसे पहले देखते हैं, फ्यूचर के चार्ट पे क्लोजर मिल गया, फ्राइडे का क्लोजर हो गया, तो हाईएस्ट जो रीच किया कल के दिन कैंडल वो किया $46,910। अब ये जो लेवल है, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारा सीएमई गैप बना हुआ था, फुलफिल हो चुका है, तो अब इसे हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन यहां पे अब ये मंडे ऑनवर्ड जो मूव होगा 46,910 के ऊपर कोई भी मूव हो, फिर से सीएमई गैप बना सकता है। क्या ये बनाएगा नहीं बनाएंगे, इन सबके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगला दो दिन यानी कि आज और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कैसे मूव करता है। और याद रखना, दोनों सिनेरियो में ऑल्ट कॉइन इज अबाउट टू ब्लास्ट, मैं उन सबकी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले देखो, ओवरऑल मंथली चार्ट का मैंने आपको एनालिसिस क्विकली बता दिया था कि मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल का मंथ वर्स्ट केस में जो है अभी भी नीचे की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जो सबसे सबसे लोएस्ट लेवल है 42,600 के आसपास, लेकिन और 21 ईयर में याद रखना $38,970 है। लेकिन इसका बेस्ट केस जो होगा वो क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही कंफर्म करेगा, बट मेरे हिसाब से कम हम अगर 55,000 के ऊपर क्लोजर ले लेते हैं, दैट इज रियली बुलिश फॉर द अप्रैल मंथ। देखो, मैंने 55,000 मिनिमम बोला है, अब मार्च मंथ के लिए मैंने 52,000 बोला था, रीच नहीं किया, 50,000 भी नहीं गया, 48,000 तक ही हमने प्राइस एक्शन देगा, 48,200, 300, 500 डिपेंड्स ऑन किस एक्सचेंज पे आप कर रहे हो, लेकिन 3-4,000 का डिफरेंस बना रहा था प्राइस में। यहाँ पे मैं 55,000 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक मेजर क्रिटिकल जो है 55 से 56,000 के बीच में रेजिस्टेंस लाइन हमें देखने को मिलेगा, वंस वी ब्रेक दैट वी आर गोइंग टू ब्लास्ट। ऑलरेडी हम ब्लास्टिंग मोड में हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पीछे मुड़ के देखोगे आज जब भी
आने वाले टाइम में अभी ब्लास्ट होगा भी, पीछे मुड़ के देखोगे तो लगेगा कि यस यार वो 33,400 का जो लेवल था या 700 का जो लेवल था वही उसका बॉटम था। और जिस दिन ऐसा कुछ हुआ था उस दिन के स्टेटमेंट जाके टी वीडियो पे जाके चेक कर लो और आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बोला हुआ था। एनीवे 55,000 मैंने अप्रैल मंथ के लिए बोला, लेकिन इस वीक का कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ है। कैंडल का स्टेटस देख लेते क्या है वीकली चार्ट पे। हम अभी भी ऑन ट्रैक हैं और डेफिनेटली बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जोन जो कि अब हर जगह हर यूट्यूब चैनल आपको बताएगा। आज से एक महीना पहले, डेढ़ महीने पहले जब मैं इसकी बात कर रहा था तो पागलपन था, ठीक है, लेकिन अब हर कोई बंदा आपको बताएगा बिकॉज नाउ इट सीम्स ऑलरेडी कन्फर्म। और इसीलिए आपको प्राइस जो है अबव जो है 47,000 के आसपास दिख रहा है, राइट, इसकी बात करता हूँ। लेकिन वीकली चार्ट पे हमारा कैंडल अभी भी रेड है। डू रिमेंबर हमारा कैंडल अभी भी रेड है। हाइस्ट जो हमने रीच किया है वो रीच किया था $48,234 और जो ओपनिंग कैंडल था वो था $46,854। तो देखो $46,854 के ऊपर जाता तो ग्रीन दिखेगा कैंडल, इस समय टाइम है, लेकिन मैकडी हमारा ग्रीन हो चुका है। पिछले वीक मैंने बता दिया था कि अप्रोच कर चुका, अगला वीक का कैंडल ग्रीन होगा, भले ही कैंडल रेड क्यों ना हो लेकिन ये मैकडी ग्रीन होगा। उसके अलावा सकुष्टिका रेसा है, मोमेंटम इंडिकेटर सब ऊपर, 80 अबव वीकली चार्ट पे अप्रोच कर चुका है, अगले वीक से और ज्यादा मोमेंटम आएगा। ये वाला जो है इंडिकेटर अभी जीरो के अप्रोच करने वाला है आने वाले दो वीक के अंदर अंदर, तो अभी उस समय टाइम है, लेकिन फिर भी असली मूव तो उसके बाद आएगा। बट फिलहाल के लिए ग्रीन लाइन जस्ट क्रॉस द रेड लाइन गाइज। ये लास्ट टाइम जब हुआ था 22 नवंबर 2021 को, जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को काट के नीचे गई थी, तब हमारा प्राइस एक्शन जो क्लोजर मिला था कैंडल का $48,906 पे मिला था। उस वीक का हाईएस्ट जो था $59,250 था। और उसके बाद से क्या हुआ था आपको पता है, यहाँ पे भी अगर कोई मतलब देखा जाए ओवरऑल तो यहाँ से भी फर्दर जो डाउनफॉल हमें देखने को मिला था लगभग 32% का देखने को मिला था। तो यहाँ पे हमने अभी ग्रीन लाइन जो है इस वीक क्लोजर अभी नहीं बनाया, अभी कह सकते हो आप फ्यूचर के चार्ट पे क्लोजर बना लिया, लेकिन स्पॉट के चार्ट पे अभी दो दिन है, मोस्ट प्रोबेबली हम और ऊपर जाएंगे, हो सकता है यहीं पे हो, लेकिन कुछ भी होगा हमारा ग्रीन लाइन तो कन्वर्ट हो चुका है अनलेस अंटिल हम 42,000 के बिलो चले जाए, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। बट यहां से अगर इस लेवल से भी अगर करेंट लेवल से भी अगर 30% का मूव देखोगे 35% का, तो वो भी बिटकॉइन को 62,000 63,000 के नियर बाय ले जा रहा है। तो डू रिमेंबर दैट कि हम वर्स्ट केस में भी एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। आप बहुत ही ज्यादा निगेटिव हो बिटकॉइन के लिए कि बिटकॉइन जाने वाला 20,000 के बिलो, तो एटलीस्ट इतना तो दो यार, अपना थोड़ा सा प्रॉफिट करा लो, 60,000 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना वो अलग बात है, आपकी बात है कि आप नहीं मानते हो बिटकॉइन में बुल रन जा रही है, तो इट्स ओके आप निकल जाना, लेकिन कम से कम यार 60,000 के ऊपर निकलना सो दैट आपको बियर रन में वाकई 60,000 के नीचे मिले बिटकॉइन या 60,000 के आसपास दिखे, नहीं तो बहुत पछताओगे आने वाले 2-3 सालों के अंदर अंदर। सो गाइज देखो मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। डू रिमेंबर ऑलवेज जब भी मैं इस चैनल पे बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग की नहीं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, और ट्रेडिंग मेरे कॉल के बेसिस पे डेली ट्रेडिंग डेली टीए करता हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देता हूँ, बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आता है मत करो, अगर आता है तो भी आप स्ट्रैटेजी वीडियो अगर नहीं देखते हो तो स्ट्रैटेजी का प्लेलिस्ट जाकर पहले चेक करो, उसे समझो, नहीं समझ में आता है मत करना क्योंकि पैसा बहुत आसानी से नहीं बनता लेकिन लूज बहुत आसानी से हो सकता है मार्केट में। डू रिमेंबर दैट। एनीवे ग्रीन लाइन कन्वर्ट होता दिख रहा है लेकिन व्हाइट लाइन में मोमेंटम वीकली चार्ट पे अभी तक नहीं आया। जस्ट इमेजिन हमारा जो व्हाइट लाइन है 15 मार्च 2021 के बाद से डिक्लेनेशन मोड में है। गाइज दिस इज द लेवल, दिस इज द रीजन आई एम सेइंग कि बहुत बड़ा मूव आने वाला है, भले ही बिटकॉइन हमें बहुत ही लंबा टाइम इंतजार कर रहा है लेकिन बहुत बड़ा मूव आने वाला है। जस्ट इमेजिन इसका 50% मूव भी अगर वॉलेटिलिटी में आ गया तो क्या हो सकता है। अभी तो ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इस वीक भी हम नीचे जा रहे हैं तो भी हमें देखने को मिल रहा है बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया है, पिछले 4 वीक से नीचे गया है व्हाइट लाइन कंपेरेटिवली धीरे धीरे, लेकिन फिर भी बिटकॉइन ने काफी ऊपर दिखाया मूव। व्हाट विल हैपन अगर वीकली चार्ट पे जब हम ये ऊपर जाएंगे क्या ऐसा होगा यार? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करो, सीधा सीधे सी बात है, वर्स्ट केस में यहां तक जा सकता है और नीचे जा सकता है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन क्योंकि ग्रीन लाइन ऊपर है तो भी जाएगा ऊपर ही, बट यहाँ पे चांसेस हमेशा बॉन्स के कितने हैं। डू रिमेंबर दैट। और यहाँ पे जब जब बॉन्स लिया है
लगभग 165% का मूव दिखाया यहाँ पे। यहाँ से बाउंस लिया तो लगभग 123% का मूव दिखाया। यहाँ से बाउंस लिया तो लगभग अगर पीक देखा जाए 200% का मूव दिखाया। यहाँ से बाउंस लिया तो लगभग 300% का मूव दिखाया। यहाँ से बाउंस लिया तो लगभग 325% के अराउंड का मूव दिखाया। यहां से अगर बाउंस लेता है, वर्स्ट केस में 150% भी लेके चलो, तो क्या होगा गाइस प्राइस एक्शन पे? जस्ट इमेजिन, यहां पे अगर बिटकॉइन जो था लगभग 3000 पे था, एंड जिस लेवल पे मैंने बॉन्स की बात की, अगर वो बॉन्स को कंपैरिजन करोगे, इसका पीक देखोगे, तो ये लेके गया था बिटकॉइन को 3000 से लगभग 13000 नहीं 14000 तक लेके गया था, यानी कि चार गुना हो गया था, लगभग चार गुना से भी ज्यादा हो गया था। अगर इतना भी मूव आया तो, मैंने जस्ट वर्स्ट केस, मतलब मैं एवरेज केस बता रहा हूँ, 150% का भी अगर मूव आया तो ऐसा कुछ होता है हमारे इस सिनेरियो में। तो यहाँ पे अगर इतना भी मूव आता है लगभग ये तो 250% का मूव है, 150% भी आता है तो तीन गुना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये तीन गुना से चार गुना से ज़्यादा था। तीन गुना भी अगर यहाँ से होता, मान लो एवरेज प्राइस 50,000 है, तो वो भी $1.5 लाख तो जाएगा मेरे दोस्त, कोई भी कैलकुलेशन करके देख लो। और बहुत सारे इंडिकेटर अब पॉजिटिव हो रहे हैं आने वाले डेज में, जो अभी भी यूट्यूब चैनल आपको निगेटिव दिखा रहे हैं। जस्ट वेट 2 और 4 मोर वीक, उसके बाद वो फुल मोड में आएंगे, एंड वंस वी ब्रेक द ऑल टाइम हाई डेफिनेटली सब लोग बुलिश होंगे, एंड उस टाइम में जब मैं वक्त आएगा तो मैं जरूर बियरिश होऊंगा वापस उसी तरीके से, जैसे नवंबर के वक्त में मैंने आप लोगों को कहा था कि यार मुझे लगता है अभी करेक्शन आएगा। एनीवे, बात हो गई पुरानी बात की, पुरानी बातों को छोड़ देते हैं। आरएसआई जो है अब 52 आ गया है वीकली चार्ट पे, दैट इज पॉजिटिव साइन, क्लोजर बनेगा, बहुत अच्छी बात है। एवरेज लाइन अभी भी डाउन ट्रेंड में है, लेट्स सी कब मूव आएगा अपसाइड का। आरएसआई में मूव आने के लिए, एवरेज लाइन में, वीकली चार्ट पे मूव आने में कई वीक्स लगेंगे, उसके लिए तो पेशेंस का गेम है अगर इन्वेस्टमेंट करते हो। एनीवे, बैक टू वन डे चार्ट, क्या हो सकता है अभी इस वक्त क्या हो रहा है? देखो, कल के दिन बहुत बड़ा टेल देखने को मिला, दैट इज बुलिश साइन। मैंने आपको कहा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो में, कल के टीवीडी में कहा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो में आई कैन सी कि बिटकॉइन जो है 44,800 के ऊपर अगर क्लोजर ले लेता है, आई विल बी बुलिश। इवनिंग आवर्स मैंने कहा था कि अगर 46,200 के ऊपर ले लेता है क्लोजर, आई विल बी एक्स्ट्रा बुलिश फॉर मंडे ऑनवर्ड्स मूव। तो यहाँ पे बिटकॉइन ने काफी ऊपर मूव लिया, डेफिनेटली आई एम बुलिश, मेरा आपको स्टेटमेंट पता ही है। हमने 200 ईएमए लाइन को टेस्ट कर लिया, 21 ईएमए लाइन को ऑलमोस्ट टेस्ट कर लिया, बॉन्स दिखा दिया, आज के दिन ऊपर गए हम लगभग $47,218। मेरे हिसाब से हम इसी रेंज के आसपास 46,000 से 47,000 के बीच में ही कहीं पे वीकेंड में क्लोजर ले सकते हैं। ओवरऑल मेरे हिसाब से वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी, और जो करेक्शन था, अगर ये कंफर्म हो चुका है, अगर ये अगले दो दिन सस्टेन कर जाता है इसी लेवल पे, तो गाइज इट इज कंफर्म, एंड मंडे ऑनवर्ड वी विल सी बिग मूव्स, और हो सकता है अगले वीक ही हमें 55,000 के आसपास देखने को मिल जाए प्राइस एक्शन। तो मैंने तो कहा अप्रैल का 55,000 के आसपास हो सकता है, तो ये कैसे हो सकता है कि फर्स्ट वीक में यार जा सकता है, फिर रिट्रेसमेंट भी तो लेगा मेरे दोस्त, फिर साइडवेज एक्शन भी तो दिखाएगा, क्योंकि ये मंथ जो होगा ऑल्ट कॉइन के नाम होने वाला है। बिटकॉइन तो डेफिनेटली अपना काम करेगा, मोस्ट प्रोबेबली 60,000 के रेंज में जाने की भी कोशिश करे, बट क्लोजर की बात कर रहा हूँ सेफ्टी साइड देखते हुए, ठीक है। तो वनडे के चार्ट पे सारे इंडिकेटर अगेन स्टिल इन द सेम पोजीशन, यानी कि अगर इस इंडिकेटर की बात करूँ, यहाँ पे साइडवेज एक्शन में अभी हल्का हल्का धीरे धीरे करके नीचे आया, 55 के आसपास है। और याद रखना, ये इंडिकेटर अगर नीचे आता है, 20 तक भी आता, कोई इशू नहीं, अगर आरएसआई हमारा अबव 50 है, अबव 60 है, तो बहुत ही अच्छा है। कल के दिन क्या हुआ, कल के दिन नीचे बहुत ज्यादा चले गए थे, लेकिन क्लोजर मैटर करता है। क्लोजर कहाँ पे मिला? क्लोजर मिला 63 पे, 60 के अबव बुलिश, RSI भी और एवरेज लाइन भी, डू रिमेम्बर दोनों चीज। और यहां से अब अगर बॉन्स ये कंफर्म होता अगले दो दिन में, तो हम हायर लो एंड हायर हाई फिर से मेंटेन करते हुए देख रहे हैं, एंड डेफिनेटली ये बस स्लो डाउन था, बट मूव अभी अभी बाकी है। ग्रीन लाइन वापस से बाउंस बैक अभी फिलहाल लेता हुआ दिख रहा है, लेट्स सी कैसे क्या क्लोजर मिलता है अगले दो दिनों में। बट मैं शॉर्ट आवर्स में क्या एक्सपेक्ट करता हूं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, मैं कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, और अभी भी ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस हमें दे रहा है। If I will extend this line, we are still in the same zone. And भले इसे हम fake out जरूर कह सकते हैं 1 hour के chart पे, और अगर मैं इसे extend कर दूँ, ये हमारा support line है। मेरे हिसाब से हम weekend में इसी channel के अंदर बने रह सकते हैं, लेकिन लेकिन फिलहाल के लिए क्या हो सकता है, most probably हम 46,200 के आसपास जाएंगे, फिर से bounce back दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं दिखाते हैं तो definitely हम struggle करते हुए दिखेंगे 45,800 के आसपास, और ये सारा कुछ weekend में possible, over the next 2 days ये possible है।
लेकिन फिर भी हम बियरिस नहीं हैं, फिर भी मैं बियरिस नहीं हूँ, फिर भी मुझे साइडवे सेक्शन लेता हुआ प्राइस सेक्शन ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। एंड ऐसा मैं नीचे का वर्स्ट के सिनेरियो बोल रहा हूँ। अपर जोन ये कंटिन्यूसली जो वाइड हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो ये लाइन है ये हमें रेजिस्टेंस देगा। तो 46,000 से लेके 47,000 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल समरी वाइज में अगर मैं बताऊँ, वॉल्यूम आने के चांसेस कम है, लेकिन ओवरऑल आज भी पूरे एक हफ्ते का देखोगे तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा आया था संडे को मिडनाइट के आसपास। अभी तक वो वॉल्यूम नहीं देखने को मिला। एक लेवल हमें कल के दिन देखने को मिला, लेकिन वो वॉल्यूम उसके कंपैरिजन में लेस ही था। तो वीकेंड में भी वॉल्यूम आ सकता है, और वीकेंड का वॉल्यूम और भी कंफर्म कर देता मार्केट को। लेकिन यस, रिट्रेस जरूर होता है, रिट्रेस हुआ, हमने देखा प्राइस एक्शन बदलता हुआ, लेकिन ओवरऑल अभी भी जो है हम सॉरी गाइस, वीकेंड का मूव मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए बोलूंगा। वीकेंड में हमें ऐसा कुछ मूव देखने को मिला था, एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे जो है अब तेजी से जो है चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है। एंड अभी भी हम इसी जोन में हैं, मैंने आपको बताया 4 आवर के चार्ट पे। बाकी इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, डू रिमेंबर 21 EMA का सपोर्ट लाइन मेंटेन करना चाहिए इसको, 46,200 का वर्स्ट केस में भी। एंड अगर ये करता है तो कोई टेंशन नहीं है, 46 से लेकर 47 के बीच में घूमता रहेगा प्राइस एक्शन। 4 आवर के चार्ट पे वी आर जस्ट अप्रोचिंग 80 के आसपास। तो यहाँ पे अगर रीसेट होता है यानी कि नीचे आता है, तो जरूर हम नीचे का सपोर्ट लाइन टेस्ट करने आ सकते हैं, दैट इज अराउंड 45,600 के नियर बाय फिगर। ओवरऑल मैं ज़्यादा बियरिश नहीं हूँ 4 आवर के चार्ट पे, मुझे साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। एंड उसके बाद जो है फर्दर मंडे ऑनवर्ड अच्छा खासा मूव आ सकता है। मैकडी ओवरऑल ग्रीन अप्रोच होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल वी आर अर्ली। अगर ये ग्रीन क्लोज हो जाता है तो जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे मूव जो है 47,000 के रेंज में ही बना रहेगा, अदरवाइज आप 46,000 के रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। 4 आवर के चार्ट पे अभी भी हम लोअर हाई और लोअर लो मेंटेन कर रहे हैं, सिमिलर वे जैसे प्राइस एक्शन मेंटेन कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे फोकस रखना, प्राइस एक्शन वर्स्ट के सिनारियों में अभी भी इन रेंजेस को छू सकता है जो मैंने आपको लेवल्स बताया। तो इसके लिए वीकेंड में तैयार रहना अगर ऐसा कुछ होता है तो। बाकी कल के दिन मेरे से पूछा गया था कि आप अगर बिटकॉइन परचेस करने के लिए बोलोगे तो किस रेंज में, मैंने आपको बोला था CME के चार जहाँ पे गैप है वहाँ के आसपास आप प्लान आउट कर सकते हो, और डेफिनेटली वो रीच कर गया विद इन द 24 आवर ही। एंड होपफुली जिन जिन भी पर्सन का क्वेश्चन था वो उनको वो मज़ा भी आया होगा। अब यहाँ पे जो है फाइनली बाकी के चार्ट्स क्या कहते हैं वो जल्दी से क्विकली से देख लेते हैं। S&P का चार्ट ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब हल्का सा डोजी कैंडल काइंड ऑफ बनाया है, ग्रीन कैंडल ही है। बट कल मार्केट जब ये नीचे भी जा रहा था तो भी बिटकॉइन बढ़ रहा था। रियलिटी इज दैट इनफैक्ट सॉरी सॉरी कल के दिन इनफैक्ट रेड कैंडल है, सॉरी गाइस, आई थिंक आई एम कंफ्यूज, सॉरी फॉर दैट। सो कल के दिन हमारा कैंडल रेड हुआ था, बट अल्टीमेटली ग्रीन क्लोज हुआ है डोजी कैंडल, क्योंकि आज का मार्केट क्लोज हो चुका है। अब ये मंडे ही चार्ट ओपन होगा तो मंडे ऑनवर्ड देखना होगा मूव। लेकिन अल्टीमेटली जब ये ग्रीन बना तो कुछ खास मूव नहीं हुआ, और अल्टीमेटली आपको दिखा बिटकॉइन वहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट भी लिया, लेकिन अल्टीमेटली जो है इसी रेंज में प्राइस एक्शन रहा। गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड भी जो है साइडवेज एक्शन में मेंटेन है। टू बी फ्रैंक, हम इसके ऊपर जरूर आ गए, लेकिन RSI पे नज़र बहुत बारीकी से रखना था। एंड कल के दिन जो है हमारा क्लोजर जो हुआ, RSI बिलो 50 चला गया। तो मंडे जब ये चार्ट खुलेगा, अगर ये 47 के बिलो चला जाता RSI, तो गाइस हमारा ये अभी और रिट्रेसमेंट होगा। भले हमारा एक इंडिकेटर पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट मिल सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो प्राइस एक्शन वापस से इस रेंज को 1875 डॉलर के आसपास देखने को मिल सकता है। बट वहीं पर अगर RSI 50 के अब मेंटेन हो जाता तो यस, दिस इज साइडवेज एक्शन जो 2-3 दिन और चलेगा, उसके बाद प्राइस एक्शन वापस से ऊपर जा सकता है। और डेफिनेटली गाइज यहाँ पे मैं अगर बात करूँ बाकी के चार्ट की, बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का ऑब्वियसली हर वीक हम इसे फॉलो कर रहे हैं। इस वीक का कैंडल हमारा रेड है, डू रिमेंबर, बट ये रेड कैंडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, अभी क्लोजर नहीं हुआ स्पॉट के चार्ट के हिसाब से। एंड हमारा जो जो इंडिकेटर है ब्लू लाइन, वो जीरो के ऊपर है। एंड जब लास्ट टाइम ये ब्लू जीरो के ऊपर आया था तो कुछ इस प्रकार का रैली देखने को मिला था, जब बिटकॉइन जो था ऑलमोस्ट 35,000-36,000 के लेवल से उठ के गया था 69,000 पे। तो दैट इज़ द वन इंसिडेंट, वंस वी मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक तक ये रेड लाइन भी ऊपर आ जाए, वंस वी डू दैट मोस्ट प्रोबेबली हमारा प्राइस एक्शन 50,000 के आसपास हो, एंड 50,000 के ऊपर फिर जो है रियल मूव आएगा, और वहाँ से भी आप इसी तरह का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट दिस टाइम आई डिडेंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ मूव, इंस्टेड आई विल एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ मूव, बिकॉज इट इज़ रियली रिक्वायर्ड जिस हिसाब से 1.5 साल का ऑलमोस्ट साइडवेज एक्शन चल गया मार्केट में। सो लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है, बट अभी भी हम ऑन ट्रैक हैं। बाकी के चार्ट्स जल्दी से ट्राई करता हूँ कवर करने की, एंड CPR चार्ट पे देख लेते हैं CPR चार्ट पे क्या हो रहा है। सो लेट मी
डू दिस एंड यहाँ पे सीपीआर चार्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मैं दिखाऊं आपको, लेट मी हाइड दिस। सो अभी हम सीपीआर चार्ट के सपोर्ट लाइन से ऊपर है और 200 ईमेल लाइन जो है हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा है अराउंड 46,600 के आसपास, दैट इज कूल। बट यहाँ पे जो सपोर्ट है 45,961 यानी कि 46,000 के आसपास, वो बहुत तगड़ा है। वो अगर ब्रेक होता है तो भी आपको 45,500 तक भी अगर जाता है बिटकॉइन, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। यस, उसके बाद जरूर थोड़ा सा निगेटिव मोमेंटम शुरू हो सकता है बिटकॉइन के लिए अगर ऐसा कुछ वीकेंड में होता है। बट अदरवाइज जिस हिसाब से चीज़ें चल रहे हैं आई थिंक इसी रेंज में रहना चाहिए। बट अगर ऊपर कभी जाता है तो $47,287 यानी $47,300 के आसपास बहुत रेजिस्टेंस है, एंड उसके ऊपर $48,217 के आसपास। तो हम मैंने आपको दोनों लेवल बता दिया सो दैट अगर ऐसा कुछ पॉसिबल पॉसिबिलिटीज हुआ तो आपको रेजिस्टेंस लाइन पता हो। और दूसरी बात, कल के दिन कैंडल जरूर नीचे जा रहा था लेकिन अब अल्टीमेटली पीछे मुड़ के देखो हुआ क्या, कैंडल क्लोजर के बाद वापस हम रीटेस्ट करके ऊपर आ गए। आज का कैंडल अगर हम इस जगह पे क्लोजर ले लेते हैं गाइस, मतलब देखो ये वीकेंड का मूव है बट इस चार्ट पे तो ये भी सिग्निफिकेंस रखता है, एंड अगर हम क्लोजर ले लेते दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी रीटेस्टेड दोज लेवल एंड धीरे धीरे करके हम अपसाइड जा रहे हैं। एंड ध्यान से देखो ये जो था नीचे जा रहा था बड़ी तेजी से, अब वो स्लोप लेना शुरू हुआ है, तो आने वाले 4 से 8 हफ्तों में ये स्लोप लेता हुआ ऊपर की तरफ नजर आ सकता है। बट अभी उस समय टाइम है, बट अगला मेजर रेजिस्टेंस जो है वो है $60,000 पे एज पर दिस चार्ट। वहीं व्हाइट लाइन जो कि क्रिटिकल लेवल है वो आज की डेट में 72,000 पे है। इस डे के यानी कि आज के दिन की बात कर रहा हूँ, आज से 10-15 दिन बाद आप देखोगे लगभग 15 अप्रैल के आसपास अगर मैं देखूँ तो लगभग लगभग ये लेवल 73,000-74,000 के नियर बाय पहुँच रहा है। तो ये हर दिन ऊपर जाता जाएगा लेवल और उसी हिसाब से हमारे टारगेट्स चेंज होते रहेंगे। तो अभी इन सब में टाइम है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा ऑरेंज लाइन के ऊपर आना, वो हमने ले लिया। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है 3-4 दिन साइड रिजेक्शन दिखेगा, उसके बाद हम अगला टारगेट टूअर्ड 60,000 हम बढ़ने वाले हैं। एंड हो सकता है ये बहुत बड़ा ही क्विक मोमेंटम हो एंड उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिले, या हो सकता है अगर वो लेवल हम ब्रेक करते हैं याद रखना 70,000 सीधा चला जाएगा, वहां पे कंसोलिडेशन हो सकता है लंबा देखने को मिले। देखो मैंने अपना अप्रैल का जरूर बताया लेवल एज पर टी एज पर सपोर्ट एज पर रेजिस्टेंस, क्लोजर की बात की मैंने वहाँ पे, लेकिन प्राइस एक्शन अपर जोन में अगर जाता है और वॉल्यूम के साथ जाता है तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। और पहला जो मेजर रेजिस्टेंस, देखो ये उतना खास रेजिस्टेंस नहीं देगा, रेजिस्टेंस हर लाइन देता है लेकिन ये उतना खास रेजिस्टेंस नहीं देगा, व्हाइट लाइन जरूर देगा जो कि आज के डेट में 72,000 है। और अगर ऐसा कुछ जाता है तो आपको पता है कि प्राइस एक्शन वाइज वो ऑल टाइम हाई रहेगा बिटकॉइन का, तो इन सब चीज़ को फोकस करो। बात करते हैं डोमिनेंस चार्ट की, डोमिनेंस चार्ट कल के दिन क्लोजर कहां पे लिया गाइस, कल के दिन क्लोजर लिया है 41.83। मैंने आपको 2 वीक से कह रहा हूं, इनफैक्ट जब इस जगह पे गया था मैंने आपको कहा था कि गाइस आई थिंक देखो जाने के लिए हम ऊपर जा सकते हैं, स्पाइक आ सकता है, बट यहां से अब ऐसा हो सकता है कि डबल टॉप सिनेरियो बन रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। इट सीम्स कि ये रिट्रेस होगा और अगर ये रिट्रेसमेंट इस लाइन को ब्रेक कर देता तो पहला कह सकते हो पार्शियल कंफर्मेशन हो चुका है, लेकिन वंस वी ब्रेक दैट 42 का लेवल वी आर गोइंग टू सी क्विक क्विक एक्शन टूवर्ड्स 41। तो 42 का कल ब्रेक भी हो गया और 41.71 पे आज हम चल भी रहे हैं। तो ऑल्ट कॉइन में एंट्रीज का प्लान अब कर सकते हो आप, सेफली कर सकते हो डेफिनेटली। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 50 के आसपास बहुत दिनों हम रहे हैं ऊपर, रह रहे थे, कब से हम ऊपर रह रहे हैं, लगभग लगभग जनवरी 2022 के बाद से हम कंटिन्यूसली ऊपर थे, एंड रिसेंटली हमने ब्रेक किया 17 मार्च 2022 को। यहीं पे मैंने आपको कहा था कि अब रेडी हो जाओ बट रीकन्फर्मेशन के लिए वेट करो, क्योंकि अब ये लाइन के नीचे आ गया। अब हम जरूर एक स्पाइक लेंगे, हो सकता है अगले 2 दिन में ले या फिर मंडे को ले, स्पाइक लेंगे 40 के लेवल को टेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वहां से जो रिजेक्शन मिलेगा वो रिजेक्शन हमें पुश कर देगा टूवर्ड्स 30 RSI लेवल पे। और इट मींस कि यहाँ पे हमें सेम चीज लेवल जाता हुआ दिखेगा नीचे की तरफ टूवर्ड्स 39। अब एक चीज और याद रखना, बाकी के इंडिकेटर्स निगेटिव में चले गए हैं, बिल्कुल ही जीरो के आसपास चले गए। अब यहाँ पे कितना लंबा टाइम गुजारते हैं बिलो 20, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा RSI अब बिलो 40 पहुंच गया, दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। मैकडी के हिसाब से मुझे अगला 2-3 हफ्ते तो कहीं पे भी मेजर कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, मतलब कि रेड ही दिख रहा है, और मुझे काफ़ी अच्छा खासा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। मेजर सपोर्ट जब आएगा टाइम मैं जरूर टीए वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये बिंदास नीचे जाने वाला है। बट याद रखना अगला सपोर्ट जो है 41.50 के आसपास ही, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो बाउंस बैक कभी भी मिले ना, री एंट्री कह लो अगर आपने एंट्री
एग्जिट किया हुआ अक्टूबर के मंथ में मेरे कहने पे, तो ये रे एंट्री का वक्त होगा। अभी भी लोगे तो भी आपको बेनिफिट होगा। और मैं जब भी एंट्रीज की बात कर रहा हूँ, BTC पेयर में बात कर रहा हूँ, डॉलर में भी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं बात करता हूँ कि बिटकॉइन जब बढ़ेगा ना तो डॉलर में तो सब कुछ बढ़ेगा। और आपको ये चीज़ अब कन्फर्म हो गया होगा, बिटकॉइन जब तक नहीं बढ़ा कोई ऑल्ट कॉइन की इतनी औकात नहीं थी कि वो बढ़ के दिखा दे। अब बिटकॉइन बढ़ गया है, अब ये 50,000 की रेंज में जाएगा तो और ज़्यादा, 52,000 का रेंज जब क्रॉस करेगा तो ऑल्ट कॉइन और ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे, फटेंगे ग्राफ्स, मतलब ब्लास्ट कर सकते हैं कुछ कुछ ग्राफ्स। एनीवे, बहुत दिन इंतजार किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और ये मार्च भी खत्म कर दिया, 6 महीने इंतजार करा ऑल्ट सीजन ने। जनवरी में आया था, बहुत ही केयरफुल रहने के लिए बोला था आप लोगों ने कि रहा होगा, रहे होंगे तो जरूर आपको एग्जिट भी किया होगा और दोबारा से री एंट्री भी आप प्लान कर सकते हो या प्लान कर चुके होंगे। नहीं किया होगा तो कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन अभी आपको महंगे दिख रहे होंगे, लॉस में दिख रहे होंगे, बट वो भी रिकवर तो कर ही जाएगा। मैंने वहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर बोला था कि यार प्रॉफिट में की तरफ ही क्लोज करना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है कि अगर ऐसा कुछ होता तो बढ़ जाएगा। लेकिन अप्रैल के मंथ में मुझे कोई ऑल्ट सीजन में रिस्क नहीं दिख रहा है, और ये बात शायद आप लोगों को बाकी के चैनल्स पे भी मिल रहे होंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन मैं इस बात पे अभी से नहीं स्टिक हूँ, दिसंबर और जनवरी मंथ से स्टिक हूँ। मैंने आपको कहा था कि 15 मार्च के बाद मोमेंटम बनेगा, पीछे मुड़ के देखो तो लगभग लगभग 15 मार्च के आसपास आप देखो क्या हुआ, 14 मार्च को हम यहाँ पे थे 43.76 पे। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऑल्ट कॉइन्स बेटर परफॉर्म किए, कुछ नहीं किए, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो यहीं से तो असली गिरना शुरू हुआ। अब यहाँ पे एक चढ़ाई आ सकता है, उसके लिए रेडी रहना, फिर ये मत बोलना कि यार मैं एंट्री लेता हूँ तो चीज़ें जो है गिर जाती, ये इमोशनल होके डील करोगे ना कभी कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। ट्रेडिंग करते हो तब तो बिल्कुल ही इमोशनल नहीं बनना है, नहीं तो इमोशनल फूल बना के चला जाएगा आपको ट्रेडिंग। कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, आपके इमोशंस जैसे ही आएंगे वो ट्रिगर कर जाएगा और आप इमोशनल फूल बन जाओगे। तो यहाँ पे ऐसा ही बाउंस मिल सकता है, और बाउंस में हो सकता है 2-4 दिन हमें ऐसा देखने को मिले कि वापस से 42.1514 का लेवल रीटेस्ट हो जाए, और वो होगा बेस्ट एंट्री पोजिशन, क्योंकि कन्फर्म हो चुका है। अब ये रिकन्फर्म करने के लिए जा सकता है, पॉसिबल होता है हमेशा। तो अब आपका क्या जिम्मेदारी है, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, आप मेरे भी कोई भी कॉल जो कि मैं अगले 24 आवर में या मैक्सिमम संडे इवनिंग तक मैं अपने वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ ऑल्ट कॉइन अकॉर्डिंग टू रिस्क कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में 10-10, 15-15 ऑल्ट कॉइन शेयर करूंगा। आपको सारे कॉइन नहीं लेने हैं, आपको वो लेना है जिससे आप रिलेट करते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझसे एंट्रीज पूछोगे, मैं उसमें एवरेज बताऊंगा, क्योंकि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, हो सकता है मैं एनालिसिस आज करूँ, पब्लिश मैं कल करूँ, इस बीच में प्राइस एक्शन ऊपर नीचे हो जाए, तो आपको एवरेज प्राइस पे देखना है। और वो जो एंट्रीज प्लान करोगे आप, वो स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई करके करना, चाहे तो 4 आवर का चार्ट या फिर 1 डे का चार्ट पे। 4 आवर का चार्ट कहाँ पे अप्लाई करोगे, 5 मिनट्स का जो स्ट्रैटेजी दिया होगा उसको 4 आवर में कन्वर्ट कर लेना, और वहाँ पे जो दिखेगा वहाँ के बेसिस पे आप प्लान आउट कर सकते हो। एंड नहीं तो कम से कम 1 आवर पे तो जरूर करना, ठीक है। अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो यार, तो मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट अगर आपको स्ट्रैटेजी समझ में आता है, रिस्क रिवार्ड समझ में आता है, तो बिंदास आप करो, उसके लिए मैं कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड कह लो, जो हो सकता है हम जब एंट्री ले अभी, वो हो सकता है कि 15 दिन में भी क्लोज हो जाए, हो सकता है 1.5 महीने भी लगे क्लोजर में, तो वो आपका कॉल होगा कि आप कब एग्जिट करते हो। लेकिन अब जैसे बुलरन के साथ मेरा चल रहा है मोमेंटम, चाहे मार्केट इधर से उधर हो, मेरा डेली टीवी वीडियो आ रहा है क्योंकि बुलरन जा रही है, पहली बात। ऑल सीजन में जब मुझे लगा था खतरा, मैंने एग्जिट करा दिया था BTC पेयर में। बिटकॉइन में अगर एग्जिट किया हो तो सबसे पहले रिकवर करता है, अगर डॉलर में आपकी थिंकिंग चलती है तो पोर्टफोलियो, उसमें आपको डाउट नहीं रहा होगा। अभी भी डाउट है तो जाके पिछले 365 दिन का मेरा टीवी वीडियो देख लो, शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तीसरी बात कि यहाँ पे जो भी एंट्रीज ले रहे हो, जो भी यहाँ पे मैं ऑल्ट सीजन की बात कर रहा हूँ, ऑल्ट सीजन हो सकता है यहाँ से 30 दिन चले, हो सकता है 45 दिन तक चले, हो सकता है 60 दिन तक चले, जब तक चलेगा टाइम मुझे नहीं पता। आपका टारगेट रीच होता जाता, आप करते रहो, अपना रिस्क रिवार्ड जरूर समझना। मैं एक टारगेट दे रहा हूँ तो मेरा जो रिस्क है ना, मेरी जो एंट्रीज है ना बिटकॉइन में, वो $3,000 पे तो नहीं है, लेकिन $6,000 पे एंट्रीज है, $10,000 पे एंट्रीज है। आप लोगों ने एंट्रीज ही $30,000 पे लिया होगा, $60,000 पे लिया, तो आप मेरे से कंपैरिजन मत करना। मैं यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ, ट्रेडिंग करना ना आओ कोर्स में, सब कुछ सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी प्लान करोगे ना, अपना रिस्क रिवार्ड, अपना टारगेट समझ के चलना कि यहाँ से हो सकता है पॉसिबली हाई पॉसिबिलिटीज हमें मई में क्लोज करना पड़े पोजिशन, हाई पॉसिबिलिटीज, हो सकता है मई एंड तक चल जाए, यानी कि जून तक चल जाए, हो सकता है जून मिड तक चल जाए,
वो हमें अभी नहीं पता, वो आने वाला वक्त कंफर्म करेगा, लेकिन तब तक मैं इस जो भी पोजीशन बताऊंगा उसके ऊपर टाइम टू टाइम 15-20 दिन पे अपना एक एनालिसिस उसी आर्टिकल पे शेयर करता रहूंगा, सो दैट आप लोग अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्लान आउट करो। तो पहली बात, आज के टीए में मतलब मेरे से अभी कॉइन के बारे में मत पूछना, सारे कॉइन मैं पब्लिश करने वाला हूँ कल के दिन, मोस्ट प्रोबेबली हो सका तो आज भी इवनिंग में ट्राई करूंगा, आर्टिकल में अगर 10 भी ऑल्ट कॉइन आ जाते तो मैं पब्लिश कर दूंगा, बाकी ऑल्ट कॉइन्स उसमें ऐड करता रहूंगा, ठीक है। दुर्घटना से देर भली, मेरा सिंपल सा फंडा, और इसीलिए मैं आप लोगों को इतना इंतजार कर रहा हूँ मेरे कन्फर्मेशन का। अब मुझे मेरा कन्फर्मेशन नहीं है ये, मुझे तो कन्फर्मेशन तभी हो गया था जब मार्केट 36,000 वापस से रिकवर कर गया था, लेकिन वो डर आपके अंदर, तो जो कन्फर्मेशन होता है उसका कॉस्ट होता है थोड़ा सा प्राइस एक्शन। तो कन्फर्मेशन मिल गया है, थोड़ा सा महंगा मिलेगा बीटीसी पेयर में देखोगे तो भी और डॉलर में देखोगे तो भी, लेकिन यहाँ से कितना परसेंट का गेन बनाते हो नहीं बनाते हो वो आपका डिसीजन है। मैं अलग अलग टारगेट्स दे रहा हूँ, दूंगा, ट्राई करूंगा एक एवरेज टारगेट्स देने के लिए, डॉलर्स में भी उसके नियर बाय का टारगेट दूंगा, लेकिन डॉलर में इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट, अगर बिटकॉइन यहाँ से छलांग ले लेता है, डबल हो जाता है, तो सब कुछ का रेट बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करेगा, डिपेंडिंग कि कैसे बीटीसी पेयर में करता, बीटीसी पेयर में भी वो परफॉर्म करता, डॉलर में बिटकॉइन परफॉर्म करता, तो वो डबल नहीं चार गुना हो जाता प्राइस। आप कभी भी देखना 2×2=4 होता है, अगर डबल होता है ऑल्ट कॉइन बीटीसी पेयर में और डबल होता है बिटकॉइन का प्राइस, तो हो गया ना 4 times। तो बहुत आसान है अगर आप उसे देखते हो कंपाउंडिंग की वे में। तो अभी मैं समझाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं बस आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि कल के आर्टिकल्स जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ गाइस अपने रिस्क रिवार्ड के बेस पे करना, क्योंकि ये शायद लास्ट लास्ट टाइम है जब आप बियर रन से पहले कोई एंट्री ले रहे हो ऑल्ट कॉइन में। इस साल जब जर्नी स्टार्ट हुआ था जनवरी में, मैं आंख मूंद के बोलता था ले लो यार कोई टेंशन नहीं है, मई जून में हमारा एग्जिट करना बनता है, मई में टाइम से पहले ही हमारा हो गया, तो मैंने आपको कहा था कि अभी वापस से आपको सेल करने का मौका देगा ऑल्टकॉइन, अक्टूबर मंथ में दिया उसने, आपने किया नहीं किया वो आपका डिसीजन था, मैंने आप लोगों को कहा था कुछ ऑल्टकॉइन मैंने अभी तक होल्ड किया हुआ, कुछ आपको पता है कौन से होल्ड किया मैंने, तो वो सारे होल्डिंग इसलिए है क्योंकि उसका जर्नी डिफरेंट चल रहा, तो जैसे जैसे जर्नी डिफरेंट चलेगा उस पर मेरा रिस्क रिवार्ड है। तो आपको ऐसे ऑल्टकॉइन में डील करना है नहीं करना वो आपका चॉइस है, सिंपल है यार। मैं 30 ऑल्ट कॉइन दूंगा आपको, 30 नहीं लेना है आपको, उसमें से अपने 3 अपने 5 अपने 10 मैक्सिमम चूज करने हैं, वो आपका कॉल होगा। मेरे लिए सब फेयर है, मेरे लिए मार्केट ऊपर जाएगा सब ऊपर जाएगा, सीधा सा फंडा, मेरे लिए बिटकॉइन ऊपर जाएगा सब जाएगा ऊपर। तो प्लीज 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 इस बात को याद रखना कि ये अब जो हम एंट्री लेने वाले हैं बहुत ही ज्यादा रिस्की एंट्री है, मई के जो लेवल्स थे वो भी शायद रिकवर हो जाएं, इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ, मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, पूरा रिकवर कर देगा, उससे ऊपर जाएगा मार्केट कैप, लेकिन दिस इज द लास्ट टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ऑल्ट कॉइन्स। फॉर मी हो सकता है ये लास्ट फेज हो, इसके बाद बुल रन्स वाकई एंड हो जाएगा, एंड इस चीज को माइंड में लेके रखना। और यहां से अगर एंड होता है बुल रन, जब भी होगा टाइम आने पे मैं बताऊंगा, डेलीटी ये इसीलिए करता हूं कि ताकि आपको डिले ना हो, जब भी होगा याद रखना वाकई 2 से 2.5 साल इंतजार करा देगा आपको ऑल्टकॉइन। अगर आपको लग रहा है नहीं ये फेज या 6 महीने इंतजार करा है तो ये कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, और ऑल्टकॉइन तो गिरे ही नहीं अभी मेरे दोस्त, अभी तो डॉलर में आपको 60-60% का ड्रॉप देखने को मिला ना, डॉलर में तो 90% तक ड्रॉप हो जाता है, 99% तक ड्रॉप हो जाता है, बीटीसी पेयर में डाउन हो जाता है कोई भी ऑल्ट कॉइन 70-70% तक, 75-75% तक, तो वैसा मूव अभी तक आपने देखा नहीं, और कोई कोई ऑल्ट कॉइन नहीं एवरेज मैक्सिमम कॉइन हो जाते, तो अभी भी हम हाई रिस्क जोन में बैठे हुए हैं, इस चीज को रखना याद कि आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं हो, आप ऑलरेडी 5th फ्लोर पे बैठे हो, तो गिरोगे तो अभी भी मर सकते हो, तो थोड़ा संभल के एंट्रीज लेना, और ये एंट्रीज आपको अपने रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करते हुए लेना, कोशिश करना स्टॉप लॉस लगाना अगर आप स्विंग जिस इस स्विंग को कैप्चर करना चाहते हो बीटीसी पेयर में, तो और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो अपने थोड़े 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 ऊपर करते जाना, ज्यादा क्लोज मत लाना, नहीं तो स्पाइक आएगा और फिर क्लोज हो जाएगा पोजीशन, वो बहुत ही कई लोगों के प्रॉब्लम होता है कि स्पाइक, क्योंकि स्पाइक तो आएगा बीच में, 1.5 महीने अगर मैं बोल रहा हूँ ऑल्ट सीजन चलेगा, इस बीच में ऐसा नहीं है कि 1.5 महीने पूरा हर दिन आपको मल्टीपल टाइम्स बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं है, 7 दिन बढ़ेगा, 2-3 दिन घटेगा, फिर 7-8 दिन बढ़ेगा, फिर 3-4 दिन घटेगा, ऐसे मोमेंटम होते हैं, ऐसे मोमेंटम को डील कर पाओगे तभी स्विंग में इंजॉय कर पाओगे। तो सिंपल सा फंडा मैं आपको बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखो जाके स्ट्रैटेजी का प्लेलिस्ट चेक करो, रिकमेंडेड होगा अगर मेरे चैनल पे आप मेरे कॉल्स ले रहे हो, अगर स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती, मैं सीधा सीधा आपको पहले से बोल रहा हूँ, प्लीज वॉच स्ट्रैटेजी वीडियो,
अदरवाइज आंख मूंद के किसी पे भरोसा करना है तो करो यार, दुनिया में बहुत सारे कॉल देने वाले हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, समझो उसे, और उसके बेस पे जो मैं भी ऑल्ट कॉइन सजेस्ट करूंगा उसमें प्लान आउट करो अपनी एंट्रीज अपने हिसाब से, सिंपल है। और जिस दिन उसमें स्ट्रैटेजी के हिसाब से दिखने लगे कि यार जाने वाला है संजय मिश्रा कुछ भी बोल रहा हूँ, आप जाने देना, आप एग्जिट मार लेना। मेरे ऊपर भरोसा मत करो, खुद के ऊपर भरोसा करो, स्ट्रैटेजी पे भरोसा करो। फ्री में स्ट्रैटेजी दिया है, इंडिकेटर्स बना के दिए ताकि आपके फ्री अकाउंट में लग पाए, लेकिन यूज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। और याद रखना है मेरे स्टेटमेंट, ये लास्ट एंट्री हो सकता है हमारा ऑल्ट कॉइन का। बुल रन के एंड में जब पीक जाएगा उसके बाद एक एंट्री होता है, दैट इज फाइन। बिटकॉइन बढ़ाने का ये लास्ट एंट्री हो सकता है ऑल्ट कॉइन में। आई एम एम्फसाइजिंग दिस वर्ड लास्ट एंट्री, मतलब लास्ट एंट्री, वी डोंट नो व्हेन इट विल ओवर। मैं इसको इतना लंबा इसलिए खींच रहा हूं, अगर आपको बोरिंग लग रहा है आप छोड़ के जा सकते हो, इट्स अप टू यू। कि गाइस समझो रिस्क को, कि यहाँ पे 2.5 से 3 साल बिठा के रख देगा बिटकॉइन। आपको लग रहा है कि बिटकॉइन बढ़ता ही रहेगा, ऑल्टकॉइन बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं जितना कॉन्फिडेंटली मई के डिप में था उतना ही कॉन्फिडेंट मैं अभी जनवरी के भी डिप में था, लेकिन आने वाले टाइम में वो मैं ही पर्सन हूँ जब सबसे ज्यादा बेयरिश हूँगा। तो आपने मेरा बेयरिशपन देखा नहीं है, जब मेरे को चार्ट बोलेगा कि बेयरिश है बेयरिश हो जाऊंगा, तो पहले से बता रहा हूँ बिटकॉइन 60-65,000 के ऊपर एनीथिंग आपका डर लगता है एग्जिट मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी रन में आपको मौका मिल जाएगा री एंट्री का। लेकिन 40,000 या 45,000 या 50,000 के नीचे अगर सेल करके निकलते हो गाइस, कोई गारंटी नहीं है कि बी रन में आपको एंट्री मिलेगा। सीधा सा फंडा बोल रहा हूँ, ऑल्ट कॉइन 99% तक ड्रॉप होते हैं यूएसडीटी में, इस बात को याद रखना। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अभी मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको केयरफुल रहने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है अभी भी, हो सकता है ये पूरा साल निकाल दे बिटकॉइन, लेकिन ये जो ऑल्ट सीजन आने वाला है वो हो सकता है 1 महीने 1.5 महीने या ज्यादा से ज्यादा 60 दिन, उसके बाद नहीं स्टे कर पाएगा और ये ऑल्ट सीजन वहीं पे खत्म हो जाएगा। और उसके बाद बिटकॉइन बढ़ाने का मौका गया, उसके बाद बिटकॉइन बढ़ाने का मौका आपको ऐसा वेव में नहीं देखने को मिलेगा। और जो भी मैं बोल रहा हूँ उस चीज को गांठ बांध लेना, तभी आप मेरे कॉल के बेस पे कोई भी एंट्रीज लेना। क्योंकि अभी तक तो मैं गिरने पे भी कहता था कि यार टेंशन ना लो, होल्ड कर लो, अगर क्या ही करोगे सेल, इतना लॉस कर लिया पहले क्यों नहीं किया, ये तो वेट करो। उसके बाद मैं पर्सन हूँ बोलूंगा निकल लो यार, लॉस में निकल जाओ, छोड़ दो। तो 100 बात की एक बात, सारे ऑल्ट कॉइन की जो पोजिशन हैं वो मैं कल बताने वाला हूँ। अभी आप लोगों के क्वेरीज लूंगा डेफिनेटली, बहुत लंबा स्ट्रेच किया। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे चलते हैं, इथेरियम का बीटीसी चार्ट कल के दिन नहीं, यहाँ पे यहाँ जब रीटेस्ट कर रहा था तब से बोल रहा हूँ, अगला टारगेट 0.074 है और वो जल्दी आपको रीच करता हुआ दिखेगा। कल एक ही स्पाइक में तोड़ के रख दिया है उसको, अब रीटेस्ट कर रहा है इसी लेवल पे, रीटेस्ट करेगा दैट इज नॉर्मल, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल दैट इज अराउंड 0.0772 अराउंड लेवल है। ये लेवल अगले 3-4 दिनों में रीच करता हुआ दिख सकता है, लेकिन डू रिमेंबर इससे पहले हम 0.0735 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में। ये लेवल जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अब इस वक्त, क्योंकि ये लेवल अगर हमने ब्रेक कर दिया देन वी आर गोइंग टू क्रिएट, एटलीस्ट जो अभी तक जर्नी चला है इथेरियम में, वी आर गोइंग टू सी अनदर मूव टुवर्ड्स 0.1 एंड समथिंग एल्स, तो वो आने वाले वक्त में बताऊंगा। फिलहाल के लिए सब कुछ बुलिश है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, इथेरियम का यूएसडी चार्ट इज डूइंग द सेम थिंग। 200 EMA लाइन के ऊपर आने के बाद क्या होता है वो दिखने लगा है आपको मोमेंटम, और अगला टारगेट जो है मैंने आपको बोला हुआ $3,800 वो जल्द ही रीच करता हुआ दिखेगा। कल के दिन हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी लगभग 3,212, मैंने आपको कहा था कि इस लेवल के आसपास नजर रखना, इस लेवल के आसपास मिल सकता है $3,100 से $3,200 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं, कोई जरूरी नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होता, इसलिए आप कहता हूँ नजर रखो अगर प्लान आउट कर रहे हो। एनीवे अब अगला टारगेट जो है जरूर यहाँ पे साइडवेज एक्शन रह सकता है, मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से इथेरियम बढ़ता हुआ नजर आएगा वीकेंड में भी, हम टुवर्ड्स 3,800 जा रहे हैं। वंस वी ब्रेक दैट $3,800 to $3,900 गेट रेडी फॉर द इथेरियम इन न्यू साइकोलॉजिकल लेवल, जो करेंट साइकोलॉजिकल लेवल है उसने हमें रेजिस्टेंस दिया, ठीक वैसे ही जैसे बिटकॉइन को 2017 में दिया था ठीक $5,000 से पहले और बिटकॉइन गिर के चला गया था लगभग $2,500 तक, ठीक वैसे ही इथेरियम जो है $4,800 के आसपास ऑलमोस्ट कह सकते हो 5,000 के आसपास रिजेक्शन लिया, $2,200 तक गिर गया, अब वापस से जर्नी स्टार्ट कर रहा है। और ये जर्नी हो सकता है इथेरियम को नेक्स्ट 4 वीक से 6 वीक में $7,000 to $8,000 के बीच में आसानी से ले जा सकता, तो गेट रेडी फॉर दैट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन एंड इथेरियम। अब मैं आप लोगों की क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूं, नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप लोगों के क्वेरीज लूंगा, कोशिश करता हूँ मैक्सिमम क्वेरीज लेने के लिए।
सबसे पहले गाइस मुझे अपने क्वेरीज पूछने से पहले एक चीज कंफर्म कर दो, इतना लंबा जो भाषण दिया मैंने यार एनर्जी लगा के, समझ में आया है या नहीं आया, उसी के बेस पे आपको कॉल लेना है कल ऑनवर्ड मैं कॉल दूंगा। लेकिन इस चीज को समझ के रखना कि अगर यहाँ पे आप ऑल्टकॉइन में स्टक हो जाओगे कभी गलती से भी, तो आप शायद 3-4 साल तक वो लेवल देख नहीं पाओगे। और याद रखना बीटीसी पेयर में कोई चांस, कोई गारंटी नहीं होता कि अगले बुल रन में वैसा कुछ लेवल पहुंचे भी, कोई गारंटी नहीं है। अभी तक देख लो ऐसे बहुत सारे ऑल्टकॉइन हैं जिन्होंने अपना प्रीवियस ऑल टाइम बीटीसी पेयर में तोड़ दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑल्टकॉइन हैं जिन्होंने उसका 50% भी चेज नहीं किया। सो दैट इज द रियलिटी। अगर समझ में आया तभी मेरी बातों पे रिएक्ट करना कल के ऑनवर्ड्स, क्योंकि मैं निगेटिव था मार्केट तब भी यहीं पे था, जब पॉजिटिव है तब भी मैं यहीं पे हूं। लेकिन रिवार्ड उन्हीं को मिलना चाहिए जिनको मार्केट पे भरोसा है, ठीक है। मुझकी मेरी बात छोड़ दो, खुद पे भरोसा है, मेरी बात छोड़ दो, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है स्ट्रैटेजी वीडियो, समझ में आ रहा है इस बार स्ट्रैटेजी वीडियो है, तो मेरे कॉल के बेस पे आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं, आपको पहले से पता चल जाएगा कि एग्जिट कहाँ करना है। अगर वन डे के चार्ट पे देखोगे सेफली साइड तो भी बहुत आसान है जर्नी, बस थोड़ा सा केयरफुल, थोड़ा सा पेशेंस लेके चलना। डर लगे ना हाइट पे जाके, अगर पाँव कांपे ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हाइट पे वो चढ़ते जाओ, उतर जाओ यार, अपनी सीमा के लिमिटेशन होते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स पुश करता है आपको, सबका अपना लिमिट होता है। दूसरों को चेक के माउंटेन ड्यू पे के माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो उसी तरीके से गिरोगे और माउंटेन ड्यू के चक्कर में माउंटेन से गिर के मर जाओगे, ठीक है। तो ऐसे काम मत करना। मार्केट बहुत अट्रैक्ट करेगा अगले 4 हफ्ते, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अपने रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करते हुए चलना गाइस। तो चलो अब मैं आप लोगों के क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूं। संजय सर, लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट रिसेशन, ऐसा तो नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, रिसेशन होगा, लेकिन रिसेशन अभी नहीं हो रहा है, टेंशन ना लो। इस बात पे मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ, तो अभी मैं इसको आगे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। लेकिन बिटकॉइन इज 1 लाख के नीचे मुझे कोई रिसेशन नहीं दिख रहा, सबसे इंपॉर्टेंट। वी विल सेल ऑल द बिटकॉइन सतोशी इन दिस बुल रन। सतोशी में बुल रन में सेल करोगे तो डॉलर नहीं बचेगा। अपना टारगेट भी क्लियर करो। डॉट के बारे में बता दूं, बिल्कुल डॉट भी, बिटकॉइन बढ़ेगा डॉट भी बढ़ेगा, सिंपल सा फंडा। मैं हर रोज डॉट की चर्चा करता हूं, मैं चार्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं मैक्सिमम क्वेरीज आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे लोग प्रिपेयर हैं एंट्रीज लेने के लिए, मैं लोगों को रोक के रखा हूं पिछले 4 हफ्तों से। तो डॉट के बारे में सर बता दूं, मैंने बता दिया बहुत, पिछले 3-4 हफ्तों में मैक्सिमम हर दूसरे या तीसरे दिन डॉट का चार्ट डिस्कस हुआ, प्लीज जाके चेक करो। डॉट बोले से गुरु जी, लिंक और सेलर का टीए एंड मिनिमम टारगेट बता दीजिए। देखो लिंक अभी जर्नी स्टार्ट किया है, और लिंक का मैंने अभी रिसेंटली, यार आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन क्यों पूछते हो, सेलर का क्वेश्चन अभी कल या परसों ही आया था। सेलर इज समथिंग जो अभी स्पाइक दिया इसलिए आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, सीधे सिंपल सी बात है। कल का टीए वीडियो देख लो यार, वहां पे भी मैंने बोला हुआ है कि अब यहाँ पे जरूर जो है अब रीटेस्ट करने के लिए वापस से जा सकता है, वर्स्ट केस में 140 सतोशी के नियर बाय। लेकिन अल्टीमेटली हमें देखना होगा कि वहां से कैसे बिहेव करता है। अगर ये बिहेव कर गया तो वी आर गोइंग टू सी न्यू ऑल टाइम हाई ऑन द सेलर बीटीसी चार्ट, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, और वो लेवल ब्रेक करने के लिए इसको लगभग 700 सतोशी को ऊपर जाना होगा। और याद रखना ये अप ट्रेंड में है अभी भी, और इसका जो मेजर सपोर्ट है 128 सतोशी पे है, जनवरी के पोजीशन पे, जहाँ पे हमने कहा था वर्स्ट के सिनेरियो 170 सतोशी के आसपास एंट्री बनता, तो उस पोजीशन पे ऑलरेडी एंटर्ड है, ऑलरेडी है। जिन लोगों ने एग्जिट नहीं किया ड्यू टू स्टॉप लॉस, जिन्होंने नहीं लगाया, उनको डेफिनेटली लॉस में होंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ यार, थोड़ा सा मार्केट को भी दो ना प्रायोरिटी, मार्केट को प्रायोरिटी देने का मतलब है स्टॉप लॉस यूज़ करो। एंड यहाँ पे क्योंकि अब मार्केट बुल मोड में आने की कोशिश ही नहीं, कोशिश देख चुके हैं हम, अब वो रिजल्ट दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे बहुत ही तेजी से स्पाइक लेता हुआ दिखेगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये जर्नी सेलर का वापस से रिज्यूम होता हुआ दिखेगा आने वाले 1 हफ्ते के अंदर। हो सकता है हम 250 सतोशी के ऊपर जाता हुआ दिखे, ये एज पर टीए नहीं बोल रहा हूँ, एज पर मैं जो ओवरऑल सेशन में देख रहा हूँ मोमेंटम, उस हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। जो टारगेट्स वगैरह हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, पहले के वीडियोस में बहुत सारे हैं, ये सारे वो कॉइन्स हैं जिनकी बात हर दूसरे तीसरे दिन होती है। तो कोई यूनिक क्वेश्चन होगा तो देन आई डेफिनेटली आई विल ट्राई टू ओपन दिस चार्ट। अगर ऑल सीजन आता है और कॉइन बीटीसी टर्म में टॉप बनाता है, तो क्या हम कॉइन्स को बीटीसी टर्म में सेल करेंगे? बिल्कुल एग्जिट करोगे तभी तो बिटकॉइन बनेगा आपके पास। इन कंडीशन बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाकर डाउन आ रहा है, तो इन कंडीशन ऑब्वियसली उसके बाद आता है जब बिटकॉइन मूव दिखाएगा रियल वाला, यार जब रियल स्पाइक आएगा बिटकॉइन में, ऑल्टकॉइन नहीं ठहर पाएंगे, समझो इस बात को, बीटीसी पेयर में भी नहीं ठहर पाएंगे, गिरना शुरू हो जाएगा। उस टाइम लॉस नहीं दिखेगा, ऑल्टकॉइन तो बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको डॉलर के पेयर में। तो ये होता, अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो अब लेट हो चुके हो सभी लोग, ये इतना बता देता हूँ कि अब बीटीसी पेयर में वो पिछले साल का जर्नी अलग था, अब यहाँ पे
ये लास्ट फेज है जहां पे बीटीसी पेयर एक्यूमुलेट कर सकते हो, अगर आपको बिलीव है कि बिटकॉइन ज्यादा बेटर मूव करेगा। अगर बिलीव नहीं है तो मेरी बातों को छोड़ो, डॉलर में एक्यूमुलेट करो, लेकिन करो, क्योंकि इसके बाद शायद मौका वाकई नहीं मिलेगा आप लोगों को आने वाले 2 सालों के बाद, ठीक है, 2 सालों तक, उसके बाद ही दिखेगा। हाँ, आईफोन पे कब तक आएगा कोर्स यार? सेकंड बैच जब स्टार्ट होगा, सेकंड बैच में मिनिमम इनरोलमेंट जब तक नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। अमित गिलानी जी, मैंने आप लोग को पहले भी बता रखा है, अमित जी का ही क्वेश्चन था शायद, तो बिल्कुल आएगा, लेकिन सेकंड बैच में जब मिनिमम नंबर ऑफ इनरोलमेंट आ जाएगा, क्योंकि उसी के पैसे को आईफोन का ऐप बनाने में मैं लगाऊंगा, और वो मुझे अभी तक मिला नहीं है, इसीलिए वो एक्सटेंड हो रहा है। तो आप लोग हेल्प करोगे तो जरूर होगा एनीवे, लेकिन ऐप जरूर आएगा, डोंट वरी। सर, एंट्री कब लूँ? एंट्री तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, देखो अपने रिस्क रिवार्ड और अपने स्ट्रैटेजी जो मैंने दिया हो उसके बेसिस पे प्लान कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी होगी। मैं कॉल शेयर करने वाला हूँ अगले 24 to 48 hours के अंदर, यानी कि संडे इवनिंग तक, तो आपकी मर्जी होगी आप कब लेना चाहते हो स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई करके। मैं ये कैसे डिसाइड कर सकता हूँ यार? मैं तो बोल रहा था बिटकॉइन में तब लेने के लिए जब बिटकॉइन 35,000 के बिलो था, कोई लिया क्या? आई डोंट नो। जिल के बारे में बता दीजिए। जिल का ने भी अच्छा खासा शायद अभी रिसेंटली स्पाइक दिखाया है, एंड दीज आर द यस 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 देखो ऐसे ही स्पाइक आते हैं ऑल सीजन। इसको चेज मत करो आप यार, इसको चेज मत करो, डोंट चेज इट। ये यहाँ से ज़्यादा देखो इस पर रिस्क क्या हो गया, इस पर रिस्क ये है कि ये अभी देखो अगले एक हफ्ते अगर ये सस्टेन कर गया इस प्राइस को, इस लेवल को, तब इसमें एंट्री प्लान करना। अगर ये एक हफ्ते नहीं सस्टेन करता तो डेफिनेटली हम नीचे आएंगे, एंड 350 के आसपास या 250 से लेके 350 के बीच में प्लान कर सकते हो, तब यहाँ से आपको अच्छा खासा एक दिख जाएगा 3x 4x। बट इस जगह पे 487 पे एंट्रीज मत लो यार, ओवर एक्सटेंडेड है। और ऐसे ऑल्ट कॉइन में इसलिए कहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस कम काम करता है भाई मेरे, इसीलिए बोलता हूँ जो फटता है ना तो बहुत तेजी से फटता है, ओनली वी नीड इज वॉल्यूम, वॉल्यूम जैसे ही आएगा वैसे ही जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है इस जगह पे, इसलिए रेजिस्टेंस मिल रहा है, और इस जगह पे मेरे हिसाब से ठहरना चाहिए इसको 3-4 दिन। अगर ये ठहर जाता है, इस लेवल को मेंटेन कर लेता है लगभग 350 सतोसी के ऊपर, तो गाइज फिर ये अगला स्पाइक वापस से लेके जाएगा इसको लगभग 1200 सतोसी के आसपास। सो दैट इज क्विकली मैं आपको ये बता सकता हूँ। और सर XBG का बता दो। XBG का सर कल ही किसी ने पूछा था, XBG का यार आप लोग यार डेली नहीं आते, मैं तो डेली आता हूँ यार, पुराना वीडियो देख लिया करो यार, थोड़ा सा वीडियो को व्यू भी मिल जाएगा, कम्युनिटी की हेल्प हो जाएगी। XBG इज डूइंग व्हाट, जो मैंने कल या परसों कहा था आप लोगों को, कल ही बोला था शायद कि यार ये रेजिस्टेंस लिया, अभी यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखाएगा एंड उसके बाद हम शायद इस सपोर्ट लाइन को टेस्ट करें, तो ऑलरेडी सपोर्ट लाइन को हमने टेस्ट कर लिया 29 सतोसी। मैंने आप लोगों को कहा है कि तो जब ये 35 सतोसी के ऊपर बैक टू बैक वीकली चार्ट पे क्लोजर लेने लगे, 35 या 36 सतोसी, लेट मी ओपन द चार्ट इनफैक्ट, तो यस 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 वीकली चार्ट पे अराउंड 35 के अराउंड में या 33 के ऊपर अगर क्लोजर ले लेता है, उसके बाद आप अगले टारगेट को रीच कर सकते हो 41 सतोसी, एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 71 सतोसी। वंस वी ब्रेक दैट 72 सतोसी, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो नया ऑल टाइम या फिर प्रीवियस ऑल टाइम हाई, ठीक है, उससे पहले नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे याद रखना लगभग 55 सतोसी के आसपास बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड उससे पहले भी जो है अराउंड 49, 50 का रेंज स्टार्ट होते ही बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड सबसे ज़्यादा जो है 200 सतोसी तक रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर 200 सतोसी का लेवल क्रॉस होता है, जो कि अभी तक इस बुल रन में नहीं किया है, शायद 144 सतोसी तक गया था, 200 नहीं गया था, तो ये वापस से रीच कर सकता है इन लेवल्स को। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सबर कर लो, इस वीक का क्लोजर होने दो XBG के लिए, क्योंकि XBG इज़ द वन ऑफ द कॉइन जो अभी भी मैं कहूँगा कि डाउन साइड में ही है, और ऐसा मूव लास्ट टाइम हमें नवंबर में भी देखने को मिला था, फिर क्या हुआ था अल्टीमेटली, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखो ना, ये डाउन ट्रेंड में, अभी ये कंसोलिडेट होगा तो ये लंबा टाइम लेगा, हो सकता है, लेकिन अगर ये स्पाइक ले गया इसके ऊपर और फिर अगर सस्टेन कर गया 4-5 दिन, तब इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, और जब बढ़ता है तो आपको पता है बहुत तेजी से बढ़ता है तो कहां तक जा सकता है कोई भी ऑल्ट कॉइन। तो एनीवेज गाइस, इट्स ऑलरेडी मोर देन 50 मिनट्स, आई थिंक मेरे जो लिस्ट है हाई मार्केट कैप के कॉइन यानी कि सेफ कॉइन, एक वो ऑल्टकॉइन जो लो मार्केट कैप को कॉइन है, यानी कि रिटर्न ज्यादा मिल सकता है लेकिन उसमें टाइमिंग इज समथिंग जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है गैस करना, ठीक है, इस टाइप का कॉइन। तीसरा, वो नए ऑल्टकॉइन जिन्होंने अभी रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया और फिर बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट लिया, वहां पर पोजिशन बनता है उस टाइप का ऑल्टकॉइन। और एक चौथा कैटेगरी भी मैं ट्राई करूंगा उन ऑल्टकॉइन का जो
लोगों को तुक्का दिलाता है। डोंट वरी, मैं नहीं करने वाला, मैं आप लोगों को बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यार देखो, मैं तुक्के वाले कॉइन नहीं शेयर करने वाला। आपको लगता है रातों रात आपको अमीर बनना है, एक ही रात में आपको 1500-2000% वाले ऑल्ट कॉइन चाहिए, तो यार सॉरी यार, मेरे में इतनी औकात नहीं है, मेरे को इतनी समझ नहीं है मार्केट की, मेरे से मत पूछना, ठीक है। ना ही मैं मीम्स कॉइन्स के बारे में ज़्यादा बात करूंगा, जो मुझे फंडामेंटली, मीम्स कॉइन ही क्यों ना हो, लेकिन जो मुझे फंडामेंटली स्ट्रांग लगेंगे कि वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, अब यहाँ पे स्पाइक लग सकता है, तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। तो 3 या 4 कैटेगरीज डिफाइन करके मैं अलग अलग कॉइन्स दूंगा, और उन कॉइन्स के अलग अलग टारगेट्स होंगे, वो टारगेट रीच करना है आपको, नहीं करना वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक चीज़ जरूर रिकमेंड करूंगा यार, पिछले बुल रन में मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिया था, इस बार मैंने स्ट्रैटेजी दिया है। अभी मेरे साथ 47 लोग जुड़े हुए हैं, लाइक्स मेरे को बहुत कम दिख रहे हैं, सबके सब लाइक कर दो पहले तो वीडियो को, और ये सभी लोग जाके रिकमेंड है यार, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि जाके ना मेरे कॉल लेते हो ना, प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लो। वीडियो देखने का आपको लगता है कि मेरे को व्यू मिल जाएगा, मत देखो यार, मत देखो, फिर ये चैनल ही क्यों देख रहे हो, जाके देखो उसे समझो, और समझ में नहीं आ रहा तो 10 बार देखो और समझ में आ जाता ना, वो आपको एग्जिट दिला देगा मेरे कहने से पहले। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए मैंने क्या टारगेट सेट किया नहीं किया, जो मार्केट कर रहा होगा उस टाइम में उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं। सर क्या आप स्ट्रैटेजी में डायरेक्ट बाइनेंस पर ट्रेड करवा सकते हैं? स्ट्रैटेजी क्या आप स्ट्रैटेजी में डायरेक्ट बाइनेंस पर क्या स्ट्रैटेजी में, मैं समझा नहीं। आप स्ट्रैटेजी लगाओ ना यार, कहीं पे भी लगाओ, वो आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है वो लगाओ, बाइनेंस के चार्ट पे लगाओ, वो सब जगह एप्लीकेबल है। बट आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू से, मैं कभी भी ट्रेडिंग नहीं करवाता हूँ, सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर करवाया होता तो मेरे पास बहुत पैसे होते हैं बाकी चैनल्स की तरफ, राइट। तो मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को एक बार मछली पकड़ना सिखा दिया तो आप खुद ही सीख लोगे, तो आपको किसी के ऊपर यू नो भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा। तो यार स्ट्रैटेजी वीडियो दिया हुआ, उसे जाके देखो, चाहो तो आप अप्लाई करो। आप ये पूछना चाहते हो कि बाइनेंस के चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं यार, वो नहीं अप्लाई हो सकता, क्योंकि बाइनेंस इज डिफरेंट प्लेटफॉर्म, उस पर भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन होता है, लेकिन दैट इज थर्ड पार्टी, वो आपको नहीं अलाउ करेगा। इस टाइप के इंडिकेटर्स आपको जो है डेफिनेटली आपके अकाउंट के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। तो गाइज मेरे ख्याल से अपना एनालिसिस भी करो, तैयार रहो, हो सकता है शाम तक मैं ट्राई करूँ, कुछ लिस्ट शेयर कर दूँ, उस लिस्ट में अपडेट फर्दर कर दूँ, या हो सकता कल इवनिंग तक किसी भी हाल में आ जाए। एंड इस बात को याद रखना, ये शायद वन लास्ट टाइम है जब इस बुल रन में, जो मेरे हिसाब से चल रहा, जो बाकी लोगों के हिसाब से, बहुतों के हिसाब से नहीं है बुल रन, इस बुल रन में जरूर जो है ये लास्ट टाइम होगा अपने बिटकॉइन को बढ़ाने का। आपको बिटकॉइन पे फोकस नहीं करना, मत करो, जो भी कर रहे हो ये समझ के चलना ये लास्ट टाइम हो सकता है बिटकॉइन को बढ़ाने का। इसके बाद शायद इस बुल रन में हमें वो मौका ना मिले, हम बढ़ा भी लेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस इतना ड्रॉप हो जाएगा कि बढ़ाने का कोई फायदा आपको दिखेगा नहीं। लेकिन यस, बिटकॉइन तो बढ़ेगा, लेकिन बिटकॉइन के बढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को माइंड में लेके चलना, कल के जो है कल तक आप इंतजार करो मेरे इनपुट का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग लाइव विद मी, एंड पसंद आया यार मेरे एफर्ट्स तो जरूर लाइक एंड शेयर करना वीडियो को। ये वीडियो अगर आपने देखा ऑनलाइन अभी मेरे साथ लाइव, तो ऑफलाइन मोड में जब अपलोड होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर तो कर देना यार, भले व्यू आप 2 मिनट कर लेना वीडियो, क्योंकि ना मैं लाइव कितने लोग मेरे से बात करते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यूट्यूब से को इससे फ़र्क पड़ता है कि ऑफलाइन मोड में जो वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ उस पर आप लोग कितना ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हो। तो आप लोग इस कम्युनिटी की हेल्प करना चाहते हो तो ज़रूर कम्युनिटी बढ़ेगी, और आपको पता है कि लास्ट ईयर सब्सक्राइबर की लिस्ट कैसे बढ़ी थी, मार्केट ने क्या किया था, बूम। तो आप चाहते हो मार्केट बूम करे, आपका प्रॉफिट बूम करे, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव हो मतलब मेरे वीडियोज़ के साथ, सो दैट सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़े और हम लोग जल्दी जो है 10,000 सब्सक्राइबर का संख्या क्रॉस करें। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को एक मेरी तरफ से गिफ्ट दूंगा, अगला स्ट्रैटेजी दूंगा, वंस वी आई विल क्रॉस, हमारी कम्युनिटी क्रॉस करेगी 10,000 सब्सक्राइबर की लिस्ट, आई विल शेयर यू वन न्यू स्ट्रैटेजी विद इंडिकेटर टू एब्सोल्युटली फ्री ऑन दिस चैनल। तो आप लोगों का जिम्मा बनता है कि आप कितने दिन में पहुंचाते हो, जल्दी पहुंचाओगे जल्दी शेयर होगा, प्रोलोवन चाहिए लोगों को, तो दैट आई हैव गिवन। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाकी क्वेरीज मैं नहीं लूंगा, मैं सीधा सीधा अपने लिस्ट भेज दूंगा, उसके बाद आप लोग मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हो इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर, डेफिनेटली मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू हर रोज की तरह बताऊंगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी लाइव, एंड कल मिलता हूँ, उससे पहले ट्राई करूंगा स्ट्रैटेजी शेयर लिस्ट शेयर करने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं कर पाया तो कल दिन या शाम तक तो जरूर आ जाएगा। तो तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, मिलता हूँ कल गाइज़।